जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे श्री नेमिनाथ बीज जैन संघ किल्पॉक चेन्नई में संपन्न हुआ ऐतिहासिक अंजनशला का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव धर्मराज उत्सव, जो कि आध्यात्म योगी आचार्य श्रीमद विजय कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न आचार्य श्रीमद विजय तीर्थ भद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा की पुण्य प्रभावक निष्ठा में धूमधाम से संपन्न हुई। दर्शकों, इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से अंकित हो चुका ये महामहोत्सव 1 से 10 मार्च 2023 तक विविध आयोजनों के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव के दौरान 5 मार्च को भगवान का च्यवन कल्याणक धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रातःकाल सुबह की नवकारसी के लाभार्थियों का वर घोड़ा गाजों बाजों के साथ निकाला गया। लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों ने इस दौरान खूब प्रभु भक्ति की। कुछ क्षणों बाद पूज्य आचार्य संघ का मंगल आगमन हुआ तो सभी भक्तों ने मंगल उद्घोष के साथ गुरुदेव का मंगल अभिवादन किया। और फिर बैंड बाजों के मंगल उद्घोष के साथ सभी भक्त आचार्य संघ की पावन निष्ठा में भक्ति करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त परिवारों ने आचार्य गुरुदेव का भव्य स्वागत कर अपना कल्याण किया। कुछ ही दूरी के बाद वरघोड़ा कार्यक्रम स्थल सौरीपुरी नगरी पहुंचा, जहां सर्व नगरियों का भव्य उद्घाटन किया गया। मंचासीत होने के बाद गुरुदेव ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। महोत्सव में आगे स्टेज प्रोग्राम हुए और कलाकारों एवं महोत्सव के पात्रों द्वारा च्यवन कल्याणक का भव्य मंचन किया गया। मंगल गाओ के हाशे तीर्थंकर नीपद राम, एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करके साथ में। राजा धीराज समुद्र विजय महाराज की जय। महाराज, अभी अभी संदेशवाहक ने सूचना दी है कि पड़ोसी राज्य को महामारी और प्रलय की भयंकर मार पड़ी है। जनता त्राही त्राही कर रही है। बालक, वृद्ध एवं स्त्रियां सब मृत्यु के सामने विवश होकर दम तोड़ रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी, जब तक हमारे पड़ोस में फिर से खुशहाली नहीं लहलहा उठती, कोषागार के द्वार पर ताला न लगाया जाए। राजवैद्य जी, आप भी अविलंब पड़ोसी राजवैद्य की सहायता से लोगों की प्राण की रक्षा में जुट जाएं। इसी तरह समय चक्र चलता रहा। राजा समुद्र विजय के कल्याणकारी कर्मों की भांति उनकी ख्याति की भी कोई सीमा नहीं थी। वर्तमान सुख और खुशहाली के सप्त रंगों से सुसज्जित था। माता शिवा देवी की कुक्षी में नेमिनाथ प्रभु पधारे।
उस रात जिसका अंतर्भाग भांति भांति के विविध चित्रों द्वारा रमणीय बना था। आनंदम, आज अंग अंग में नर्तन प्रकट हो रहा है, मेरे हर प्रदेश में अमृत का सिंचन हो रहा है। कितने काल के बाद आज फिर से कोई तीर्थंकर परमात्मा का कल्याणक हुआ है। महाराजा, आप अवधि ज्ञानी का प्रयोग करके देखो तो सही कि कौन सी नगरी में कौन से परमात्मा का कौन सा कल्याणक हुआ है। हम पूरे इंद्रलोक के साथ प्रभु की आराधना करने जाएंगे। अहो, भरत क्षेत्र में दक्षिणार्ध प्रदेश के महाराजा श्री समुद्र विजय महाराजा के घर में इस अवसर पिणी काल के 22वें तीर्थंकर परमात्मा का आगमन हुआ है। स्वप्न देखकर अति हर्षित हुई, उनकी रोम राजी कदम्ब पुष्प के समान विकसित हुई। इसके पश्चात माता शिवा देवी रानी उन महास्वप्नों का स्मरण करते पलंग से नीचे उतरी। हे स्वामीनाथ, आपकी जय हो। देवी, इस समय आप यहाँ क्यों पधारी? क्या कोई विशेष कार्य था? आर्य पुत्र, आज जब मैं अल्प निद्रा अवस्था में थी, उस समय अति उत्तम 14 महास्वप्न देखे हैं। मैं महामंत्री को आज्ञा देकर स्वप्न पाठक को आने का आमंत्रण देता हूँ। आपकी आज्ञा अनुसार हमने स्वप्न पाठक को दरबार में आने के लिए आमंत्रण भेज दिया है। कल्याण मस्तु, शिव मस्तु, धनागमस्तु, दीर्घायुरस्तु, सुत जन्म समृद्धि रस्तु। आज मध्य रात्रि में अल्प निद्रावस्था में महारानी ने गज वृषभ आदि 14 महास्वप्न देखे हैं। उन स्वप्नों का फल जानने की महाराज को उत्सुकता है। यह चक्रवर्ती बनने वाले पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 14 महास्वप्न देखती हैं। च्यवन कल्याणक के मंचन के बाद लाभार्थी परिवार एवं आगंतुक अतिथियों का बहुमान किया गया। सायंकाल आंगी रोशनी प्रभु भक्ति का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रियांक जानी ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर खूब भक्ति कराई। पांच मार्च को च्यवन कल्याणक संपन्न होने के बाद 6 मार्च को जन्म कल्याणक मनाया गया। प्रातःकाल आचार्य संघ की पावन निष्ठा में अभिषेक पूजन की क्रियाएं संपन्न हुई। चाकारेण सदीशा भगवान इडियां भयं परिक्रमामि। चारे मासुदेव।
क्या कारण समझे सब को निर्याय में बड़का में पड़े के में ए छ में छ में बड़का में निर्याय में विराना है गुणा गुण में पड़ गुण में गुण गुण सब में पड़ंगा और गुण टीम का संधाना सब कामने जो जो रे के ने मिते तिनते चढ़ने में चिंदिया नमंदे चंद्रदन तम सेंस आज वचन चल रहा है चंद्रदन तम सुनते जब अंदाज से तुम तो नहीं सुन लिए जा अंदाज से तुम आज सुन रहे जा जब मैं इस लग जैसे सुन रहा तरन से तुम तेने जो लुक मस्ता मारु हृदय प्रभु तारु मंदिर छे मारु हृदय प्रभु तारु मंदिर छे तोरन वशे मारी तकदीर छे तोर देव छे मारी तकदीर छे केवा शुभ परिणामो जागे आ मुलाकात मा शुभ परिणामो जागे आ मुलाकात मा इस दौरान 56 दिक कुमारियों द्वारा जन्म महोत्सव इंद्र सिंहासन कंपायमान हरण गमेशी देव द्वारा सुघोषा घंटनाद मेरु पर्वत पर 64 इंद्रों द्वारा भगवान का 250 अभिषेक इत्यादि क्रियाएं संपन्न हुई। वागे छे सरियाए खुशी समुद्र विजय ना आंगणिए अरे हे नहीं जोड़े शिवा देवी माता पार कुवर के पारणिए पार कुवर के पारणिए। पूजन की क्रियाएं संपन्न होने के बाद पूज्य आचार्य संघ की पावन निश्रा में कलाकारों एवं महोत्सव के पात्रों द्वारा स्टेज पर जन्म कल्याणक का सुंदर मंचन किया गया और मंगल शुरुआत आचार्य श्री की मंगल वाणी से हुई। विश्वोद्वारक परमात्मा को अपनी कुक्षी में रखने वाले हे रत्न कुक्षी माता, आप महाभाग्यशाली हैं। आपका जन्म और जीवन सफल बना रहे। तीनों लोक में खुशियां छाई मंगल घड़िया है आई। तीनों लोक में खुशियां छाई मंगल घड़िया है आई। माता हर्ष से हर खाई जन्मोत्सव की बाजे बधाई। माता हर्ष से हर खाई जन्मोत्सव की बाजे बधाई। चपंदी कुमरी का आसन हुआ कंपायमान। चपंदी कुमरी का आसन हुआ कंपायमान। इतु जन्म्यारे इतु जन्म्यारे इतु जन्म्यारे पालनहार तीनों लोक की नाथ। इतु जन्म्यारे पालनहार तीनों लोक की नाथ। कलशालाई 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 रे देखो शीर समुद्र का नीर लाई। कलशालाई 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 रे देखो शीर समुद्र का नीर लाई। ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई ढेर सारी खुशियाँ आंगने हैं आई। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो सब रोमनडो झूमन लाग्यो। प्रभु वर का सूति कर्म करने को आठ बालाएं हैं आई। ये तो छामर लेकर आई प्रभु जन्म की सबको बधाई। प्रभु वर का सूति कर्म करने को आठ बालाएं हैं आई। ये तो छामर लेकर आई प्रभु जन्म की सबको बधाई। दीपक प्रगटावो पानी सागर गरे सनिसा। पानी सागर गरे सनिसा।
शक्रेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। तब अवधि ज्ञान से शक्रेंद्र को प्रभु जी का जन्म हुआ है ये ज्ञात हुआ। तब अत्यंत आनंदित होकर इंद्र ने अपने सेनापति हरिण गमेशी देव द्वारा एक योजन जितनी विशाल सुदोषा नामक घंट का नाद कराया। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, हे जगदम्बा। तीनों जगत के नाथ तीर्थंकर परमात्मा को जन्म देकर आपने इस अनाथ जगत को सनात किया है। सबरिया के प्रति जो जो मेरी भक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों मेरे अशुभ कर्म विलीन हो जाते हैं। हे कृपालु, आपका दर्शन यदि नहीं मिला होता तो अविरति के पाप से मेरा जन्म निष्फल ही जाता। अद्भुत रूपवान, कांतिवान, परम प्रतापी, ऐसे कैसे? पुत्र रत्न। स्टेज प्रोग्राम के बाद लाभार्थी परिवार एवं आगंतुक अतिथियों का बहुमान किया गया। सायंकाल आंगी रोशनी प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल सालेचा ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर खूब भक्ति कराई। राजप्रिय बनी जासे तू एक गजरात्मा, राजप्रिय बनी जासे तू एक गजरात्मा, परमात्मा बन जासे परु आत्मा। 6 मार्च को जन्म कल्याणक संपन्न होने के बाद 7 मार्च को प्रातःकाल मंदिर जी में आचार्य संघ की पावन निशा में विधान पूजन की क्रियाएं संपन्न हुई। परमात्मा के जन्म की खुशहाली में बंदी खाने के सभी कैदियों को भी मुक्त करने में आया। यह परमात्मा का पुण्य प्रभाव है। और परमात्मा के जन्म का अभिषेक मेरु पर्वत के ऊपर 64 इंद्रों ने साथ में मिलकर किया। लोकगताय अष्टदिक कुमारी परिपूजिताय एन्द्र परिपूजिताय देवाति देवाय दिव्य शरीराय त्रैलोक महिताय आगच्छ आगच्छ स्वाहा।
विधान के बाद लाभार्थी परिवार एवं आगंतुक अतिथियों का बहुमान किया गया। महोत्सव में आगे स्टेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रभु जी का नामकरण, पाठशाला गमन, माँ मीरा, लग्न विधान, राज्याभिषेक, राज तिलक की क्रियाएं हर्षोल्लास पूर्वक भव्य रूप से संपन्न हुई। शुभ मुहूर्त में आए संग परिवार लाए, भरी खुशियां है मन में सभी झूमे गाए। लाडले भतीजे का नामकरण, भाभी सा आपने हमारे कुल दीपक ही नहीं त्रिभुवन के दीपक, त्रिभुवन के राजा को पुत्र रूप में जन्म देकर जगत में हमारे कुल की शान बढ़ाई है। जय हो, विजय हो, हे राजन दीर्घायु भव। ज्योतिष महाराज, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे यहाँ दिव्य पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, मेरे लाडले दुलारे भतीजे का नाम रखना है। हमारी आकांक्षा पूरी करने के लिए हम इस बालक का नाम नेमीनाथ रखेंगे तो कैसा होगा बुआ सा? सूझ गया, प्यारा सा नाम सूझ गया, नेमीनाथ। मेरा राज दुलारा मेरे दिए हुए नाम को सार्थक करेगा। आज तो तू परिवार वाले पधार, उसके बाद माता पिता पधारिए। परमात्मा के जीवों की ये विशेषता है कि ये संसार सुख भोगने के बावजूद भी भोगावली कर्म का क्षय करते हैं। उनका शरीर ही संसार में है, मन तो मोक्ष में है। नेमीनाथ कुमार इतने पुण्यशाली है कि उनकी सेवा में इंद्र ने अपनी सेना भेजी और युद्ध में बिना खून बहाए युद्ध जीतकर शत्रुओं को परास्त कर भगा दिया। अरे सोना नी चैन लई आव्या, सोना नी चैन लई आव्या, ये मोटा कर ना मो मेरा लाव्या, ये मामा जी मा मेरा लाव्या। मंचन के बाद पूज्य आचार्य श्री ने मंगल उपदेश दिया। सभी संतों ने, ऋषियों ने, परम महर्षियों ने एक ही बात की है कि यह मनुष्य जन्म केवल मोक्ष की साधना के लिए ही, लेकिन सभी जीवात्मा में इतना सत्व नहीं होने के कारण वो मोक्ष की साधना नहीं कर पाते। इसके लिए किनारी भगवंत ने दो प्रकार का धर्म बताया, एक साधु धर्म और एक गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म, जिसमें सत्व है जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करके
मोक्ष की साधना में आगे बढ़ते हैं। और शायद सभी में इतना शक्ति नहीं होता है। प्रवचन के बाद आगे की क्रियाएं प्रारंभ हुई, जाजम चढ़ाई गई और भक्ति की गई। सब कोना छोटी बच्ची को देना कोना। ओम बोमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम रावे स्वाहा। हम बने हम स्वरूप लोच आप जो तात जी जगत पूज्य। ओम इंद्र मरमोषा प्रेमसरा जन्म जन्म दिन वाराणसी मते जिनेन्द्राय नैवेद्यम यजामहे स्वाहा। नमो आयरणम नमो उज्जयनम नमो लोय सो सामने ऐसो वचन मुकारो सो पापणा सो मंगलानंद सवे सिंह पड़मा मावी मंगलम। चलो परमात्मा नो बीजो थाल नैवेद्य नो बीजो थाल। नमो रसिदाचार्य साधुभ्या नत्रया राधिका पांचये ते परमेष्टिनः प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मंगलम परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशा सर्वत्र सुखी भवतु लोका सर्वे पिसन्तु संसार खारो खारो लागे रे ससुरहरि जा मेरे संसार संसार के वो खारो लागे रे अब चले हेले भैया चले हेले बाब चले हेले भैया चले हेले बाब चले हेले। यानी चौखट पर रखा हुआ दिया जिस तरह से दहलीज पर रखे हुए दिए दोनों घर को प्रकाश से भरते हैं वैसे ही तुम पिता के कुल को और ससुराल के कुल को दोनों को संस्कार के प्रकाश से भर देना। अब आप पर एक विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व आया है। आज से आप प्रजा के बन रहे हैं। प्रजा आपकी है। एक पिता की तरह प्रजा को प्रेम देना उसका परिपालन करना राजा का नैतिक कर्तव्य है। आप भी पूर्णता कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर सदा प्रजा का परिपालन करें। सायंकाल आंगी रोशनी प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया जिसमें सुप्रसिद्ध संगीतकार राजीव विजय वर्गीय ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर खूब भक्ति कराई। और कर गया काल अनेक गिनता गिनता किस गई मोरी सात मार्च की मंगल क्रियाएं संपन्न होने के बाद 8 मार्च को प्रभु का दीक्षा कल्याणक भक्तिभाव से मनाया गया। प्रातःकाल मंदिर जी में आचार्य संघ की पावन निष्ठा में विधान पूजन की क्रियाएं संपन्न हुई।
ऐसी भाव दया चौपट सस हुआ अभिषेक हरि से गुण कर कारण साठ लाख कर एक कोड़ी कर सानो अधिकार बासठ इंद्र ना कि निवास लोक पाल ना कार कंगल बंटी चासक चासक वंशे भी नर को गोसाजन सुर खेलो वेतन सामान विधान उपरांत दीक्षा कल्याणक का भव्याति भव्य वर घोड़ा निकाला गया जिसमें अनेकों भक्त उत्साहित भावों के साथ शामिल हुए। बैंड बाजों के शोर के बीच सभी भक्त आचार्य संघ की पावन निष्ठा में जिनशासन की महती प्रभावना करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त परिवारों ने आचार्य गुरुदेव का भव्य स्वागत कर अपना कल्याण किया। विविध क्षेत्रों से होती हुई वरघोड़ा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और विभिन्न प्रकार के चढ़ावे संपन्न हुए। महोत्सव में आगे स्टेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ और दीक्षा कल्याणक का मंचन किया गया। हे पुत्र जा सुखपूर्वक जा, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, हम पर करुणा रखना। मेरे लाडले तेरी जय हो, विजय हो। तेरे विजय प्रस्थान में आंसू बहाकर मैं अपशकुन करना नहीं चाहता।
चाहत तो है कि बेटा बुढ़ापे में साथ रहे, सेवा करे, किंतु वत्स केवल हमारी सेवा के लिए नहीं किंतु समस्त विश्व की सेवा के लिए तेरा जन्म हुआ है। जय हो, विजय हो। मेरी कोख को गौरवान्वित करने वाले कुलदीपक का जय जयकार हो। ओ लाडले नंदन, तू मेरी कोख में आया, तब से मैं स्वयं को इंद्राणियों से भी अधिक धन्य मान रही हूँ। आपके साथ बीते हुए इतने साल मानो के पल जैसे महसूस होते हैं। मेरे अंतर की भावना तो ऐसी थी कि जीवन भर मेरे भैया के चरण में रहूं, उसे देख देख कर अब प्रतिम खुशियां मनाती रहूं। मेरे भैया के सहवास के आगे संसार का सुख तो तृण समान भी नहीं, मगर कम चक्र के आगे हम लाचार हैं। मेरा लाडला भैया आज तो कठोर कष्ट भरे संयम पथ पर जा रहा है, तब ये तेरी लाडली बहन को विरह की वेदना जरूर सताएंगी। प्रीति ने नवी रीत में जासे तू जो, प्रीति ने नवी रीत में जासे तू जो, राजुल ने मुमड़ी जासे तू जो। संयम पथ के पथिक हे प्यारे पुत्र, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। आज मेरे हृदय में अपार आनंद है। हमारे कुल की कीर्ति में चार चांद लगाने वाला प्रसंग हमारे आंगन में उपस्थित हो रहा है। हमारा सबका प्यारा, आंखों का तारा, महामंगलकारी प्रवज्ञा के पावन पंथ पर संचरण करने के लिए तत्पर बना है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। करे भी समयम शब्दम सावधम योगम पच्चगावे
जावत जीवाय तिविहं तिवेदं मनेदं वाय कायदा न करे भी न कारवे भी करं तक्ति यत्तम न संभुग जाना भे दस्य परित्मा भे निंदा भी गरिया भी अपार स्टेज प्रोग्राम के बाद आचार्य श्री की निश्रा में प्रतिमा जी को मंदिर जी ले जाया गया। महोत्सव में आगे महिला संगीतकार द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। भक्ति गीत के उपरांत मंदिर जी में अंजन घुटने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तदुपरांत लाभार्थी परिवार एवं आगंतुक अतिथियों का बहुमान किया गया। दर्शकों, आइए अब चलते हैं 9 मार्च के कार्यक्रम की ओर, जिस दिन परमात्मा की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई। प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे और आचार्य संघ की पावन निश्रा में विधान की क्रियाएं संपन्न हुईं।
तदुपरांत शुभ लग्न में प्रभु प्रतिष्ठा देव देवी प्रतिष्ठा ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई। इस क्रम में आगे ध्वजदंड कलश प्रतिष्ठा भी धूमधाम से संपन्न हुई।
तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा, जिनके तीन तीन कल्याणक गिरनार तीर्थ के ऊपर हुए, दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण। आज मानो पूरा गिरनार तीर्थ आज चेन्नई में आ गया। आज जो माहौल, जो मंदिर की सुशोभा देखते, ऐसे लगे कि हम आज गिरनार में हम खड़े। ऐसी सुंदर नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा, अब वो प्रतिमा नहीं है। कल रात्रि के, मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न में इस प्रतिमा की अंजन विधि यानी प्राण प्रतिष्ठा करने में आई। परमात्मा तत्व का इसकी अंदर अवतरण करने में आया। अब यह प्रतिमा नहीं है, यह साक्षात परमात्मा ही है। जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में प्रभु की प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रीति है, जरूर उसे इसमें भगवान के दर्शन होंगे। बस परमात्मा का आलंबन लेके हमें हमारे हृदय को निर्मल बनाना है, हमें हमारे हृदय को राग द्वेष से मुक्त करना है, हमारे हृदय को पवित्र बनाना है। जहाँ कषाय संकलेश उद्वेग न हो, बस ऐसा जीवन बनाना है। प्रभु का आलंबन लेना, प्रभु ने हमें जो मोक्ष मार्ग बताया है, आत्म कल्याण का जो मार्ग बताया है, सभी जीवों के प्रति प्रेम। हमारे इस अपार्टमेंट श्री नेमिनाथ ब्रिज जैन संघ, जो चेन्नई के अंदर BBCL ब्रिज रेसिडेंस के नाम से है, इसके अंदर ऐतिहासिक पहला शिखरबंद मंदिर श्री नेमिनाथ दादा का, और वो भी इतने अच्छे शिल्प से। ये 5 दिन का अद्भुत महोत्सव, इतना अच्छा सुंदर महोत्सव जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक यहाँ इस हमारे अपार्टमेंट में हुआ, आचार्य भगवान श्री तीर्थ भद्रेश्वर जी के निश्रा में, बड़े धूमधाम से, बड़े उल्लास के साथ पूरा चेन्नई नगर इस
प्रतिष्ठा के अंदर जुड़ा। बीबीसीएल अपार्टमेंट में हमने अष्टभद्री जिनालय का निर्माण किया है। आज ये प्रतिष्ठा का इतना उल्लास, इतना अहोभाव और इतना, समझे ना कि आज जो भी यहाँ पे व्यक्ति आए हैं सब कुशल गए हैं, एकदम बोले तो खुशी से झूम उठे थे। प्रतिष्ठा के वक्त हमारे अपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब मौजूद थे और सब लोगों की उल्लास एकदम जोरदार रही। जय जिनेंद्र, मैं यहाँ पे 5 दिन से ब्रीज अपार्टमेंट के प्रतिष्ठा महोत्सव में जुड़ा हुआ था और बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, जहाँ पे हमारे आचार्य भगवान तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी की निष्ठा में ये संपूर्ण कार्यक्रम आज सुबह 8:30 बजे प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। प्रतिष्ठा का महोत्सव बहुत आनंदपूर्वक रहा और हमें आदिनाथ भगवान बनाने का लाभ मिला है और ध्वजा का लाभ भी मिला है, बहुत आनंद हुआ और सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुए और 10 दिन का कार्यक्रम चला, उसमें बहुत आनंद आया और ध्वजा का चढ़ावा लिया, उसमें भी बहुत अच्छा लगा और आदिनाथ मूर्ति बनाने का चढ़ावा भी लिया था, उसमें भी हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं। जो मंदिर हमारे यहाँ बीबीसीएल अपार्टमेंट में जिन प्रतिमा नेमिनाथ प्रभु की जिन प्रतिमा विराजमान हुई है, अति हर्ष और आनंद का माहौल है। ऐसे परमात्मा, ऐसा मंदिर साउथ इंडिया में पहली बार बना है। तन मन धन से यहाँ बीबीसीएल अपार्टमेंट वालों ने बढ़ चढ़ के खूब सहयोग दिया। तन मन धन से सब जगह उन्होंने बहुत बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत मेहनत करके ये एक आलीशान मंदिर हमारे बोराना राठौड़ परिवार ने स्वद्रव्य से ये मंदिर बनवाया है, उनकी खूब खूब अनुमोदना। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव। श्री नेमिनाथ ब्रिज जैन संघ जनशासन की शोभा में इसी तरह वृद्धि करता रहे और धर्म मार्ग में आगे बढ़ता रहे, इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेन्द्र।